फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे स्टूडेंट्स। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ डज द साउंड प्रोड्यूस बाई ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन ए मीडियम रीच योर ईयर। तो कैसे जो है साउंड किसी ऑब्जेक्ट से उत्पन्न होती है, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से, और वो हमारे ईयर तक पहुंचती है। तो हमारे ईयर तक साउंड किस तरह से पहुंचती है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए। क्वेश्चन क्या कहता है, कैसे साउंड जो है किसी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से हमारे ईयर तक पहुंचती है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना होता है। इसके बाद अब देखिए हम, तो क्या होता है जब कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से जो है साउंड प्रोड्यूस की जाती है, तो उससे क्या होता है कि जो एयर होती है, जो कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के टच में जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं, उसके संपर्क में जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं, तो उन एयर के पार्टिकल्स में क्या है, यहाँ पर वाइब्रेशन उत्पन्न होती है, एक वाइब्रेशन जनरेट होती है। ठीक है, तो ये जो वाइब्रेशन यहाँ पर जनरेट होती है, ये वाइब्रेशन इसकी वाइब्रेशन को अपने नेक्स्ट पार्टिकल को ट्रांसफ़र करते हैं। तो वहाँ पे मौजूद नेक्स्ट पार्टिकल को ट्रांसफ़र करते हैं, उस नेक्स्ट पार्टिकल से फिर वो अगले जो उससे जुड़ा हुआ एडजेसेंट पार्टिकल होता है, एडजेसेंट जो पार्टिकल होता है, जो नेक्स्ट पार्टिकल है, उसको एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो इस तरह से साउंड जो है वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, दूसरे पार्टिकल से तीसरे पार्टिकल, और आगे बढ़ती है, और फाइनली जो है हमारे कानों तक, हमारे ईयर्स तक पहुंचती है। इस तरह से हम किसी भी वाइब्रेशन को, यानी किसी भी साउंड को सुन पाते हैं। तो इसका आंसर आप किस तरह से लिखेंगे, देखिए, तो ये आंसर जो है हमें अपने नोटबुक में किस तरह से लिखना है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, उसमें जब कंपन उत्पन्न होते हैं, कोई वाइब्रेशन होती है, तो नेसेसिटेट द सराउंडिंग पार्टिकल्स ऑफ मीडियम टू वाइब्रेट। तो जो सराउंडिंग पार्टिकल्स हैं, ईयर के जो पार्टिकल्स हैं, उनको वाइब्रेट करता है ऑब्जेक्ट, वाइब्रेट करके किसको, ईयर के पार्टिकल्स को वाइब्रेट करता है। ये पार्टिकल अपने एडजेसेंट पार्टिकल को, एडजेसेंट टू द वाइब्रेटिंग पार्टिकल, ये पार्टिकल जो कि नज़दीकी पार्टिकल होता है, उसको वाइब्रेट करते हैं, आर फोर्स टू वाइब्रेट, और उसको वाइब्रेट करते हैं। हैंस द साउंड प्रोड्यूस बाई ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, और इस कारण जो है जो साउंड प्रोड्यूस हुई है किससे, इस वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से जो साउंड प्रोड्यूस हुई है, इन अ मीडियम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम, ये यहाँ से ट्रांसफ़र होती है, कहाँ तक, ट्रांसफ़र फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, दूसरे से तीसरे पार्टिकल, और टिल इट रीच योर ईयर, आपके ईयर्स तक पहुँचने तक। तो इस तरह से वो वहाँ से ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अगर इसका आंसर आपको समझ में आया है बिल्कुल अच्छे से, तो कमेंट करके बताएं कि हाँ बिल्कुल समझ आ गया, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।